संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव की तैयारियों के संबंध में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की। और मध्य प्रदेश में आधार कार्ड के लिए अभी तक 2 करोड़ नामांकन दर्ज, युवाओं में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह। नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि नदी संरक्षण में विश्वविद्यालयों की भूमिका के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाई जाएगी। शर्मा ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव 2013 में भागीदारी के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद और नदी महोत्सव के संयोजक अनिल माधव दवे विशेष रूप से उपस्थित थे। वर्ष 2012 में 7 पुरातात्विक स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक घोषित हुए हैं। इसी साल 47 स्मारक और 5 बावड़ी का अनुरक्षण भी हुआ। इस साल प्राचीन स्मारकों और स्थलों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। गोलघर स्मारक भोपाल के स्टोन पिलर और भित्ति चित्र, शिव मंदिर बरावली मुरैना और शिव मंदिर बरूखेड़ा नीमच का रासायनिक संरक्षण किया गया। पुरातत्वीय स्मारकों को और अभिलेखों से आम जन को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई। मध्य प्रदेश में आधार कार्ड बनाने और जारी करने की प्रक्रिया में पिछले माह से काफी तेजी आ गई है। दिसंबर माह के पहले 8 लाख कार्ड प्रति माह बन रहे थे। दिसंबर माह में 16,50,000 नामांकन हुए हैं। इस प्रकार इनकी संख्या लगभग दुगनी हो गई है। अभी तक प्रदेश में आधार कार्ड के लिए 2 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। इनमें से 1.5 करोड़ आधार कार्ड नंबर जारी कर दिए गए हैं। युवाओं में आधार कार्ड बनवाने के प्रति काफी उत्साह है। अभी तक जो कार्ड बने हैं उनमें से 60% कार्ड 15 से 45 वर्ष के युवाओं के हैं। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में देसी नस्ल के गौ पालन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से गौ नस्ल सुधार कार्यक्रम का फायदा लेने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री बिसेन बालाघाट में मंगलवार को गौ संरक्षण केंद्र और कांजी हाउस का लोकार्पण कर रहे थे। सहकारिता मंत्री बिसेन ने कहा कि नगर में गौ संरक्षण केंद्र और कांजी हाउस को बनाया जाना नगर पालिका के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के गांव रानीताल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कृत के प्रकरण में 2 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सिर्फ 11 दिन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष चालान पेश कर दिया है। हाल ही में धार जिले के एक दुष्कर्म प्रकरण में तेजी से कार्रवाई कर दोषियों को मात्र 36 दिन की अवधि में मृत्यु दंड की सजा दिलाने में पुलिस बल के अभियोजन अधिकारियों को सफलता मिली थी। जबलपुर के में पीड़िता ने 19 दिसंबर को गोसलपुर पुलिस थाने में खिल्लू कुम्हार और कंधीराम द्वारा अपने साथ दुष्कृत करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रकरण में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर 30 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा जिले के ग्राम तियोंदा में परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान मृत महिलाओं के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता और परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आयुक्त लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पंकज अग्रवाल को प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रकरण में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने छिंदवाड़ा जिले की 103 बसाहट में रहने वाली आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए डीफ्लोरिडेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभागीय बजट में 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्लांट लगाने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग में ऐसी बसाहटों का चयन किया है जहां पर पेयजल की गुणवत्ता में कमी की शिकायतें हैं। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमएसटीवी न्यूज। नमस्कार।